हेलो बच्चों न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है माई सेल वीर सिंह राजपूत आज हम आपके लिए दस के दम के सेशन में आपका जो रिसेंटली यू वी टी ट्वेल्व पेपर हुआ था जिसमें एन सी आर टी सेकंड को कवर किया गया था उसके मोस्ट डाउटफुल टेन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको इसी मिशन के तहत आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का आपके सामने पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी Uh, 126, जिसको 2190, uh, 2195 बच्चों ने गलत किया है देखते है देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया, है? दिया, दिया हुआ है, अच्छा, यहां पर देखा जाए तो अगर ऐसा होता कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ए एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास तो करेक्ट होता क्यों क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो न्यूक्लियस एंजाइम के अंदर आता है ना कि न्यूक्लियज एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के इसलिए आपका ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए था और यहां पर न्यूक्लियज एंजाइम क्यों क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियज एंजाइम के अंदर आता है ना कि न्यूक्लियज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं ईच रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियज फंक्शन वाई इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डी एन ए सिक्वेंस जो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज होता है यानी कि प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्स पहले क्या करता है डीएनए सीक्वेंस की जो डीएनए की जो लेंथ होती है उस सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करता है इसके बाद उसको कट करता है तो आपका पहला सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है पहला इनकरेक्ट है और सेकेंड करेक्ट है तो आंसर चला जाएगा आपका यहां पर थर्ड क्वेश्चन नंबर वन वन नाइन जिसको फोर्टीन हंड्रेड एट्टीन बच्चों ने गलत किया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच पूछा गया है कि इन जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन में करेक्ट मैचिंग दी सब है सबसे पहले बोलते हैं तब ये करेक्ट होगा बट यहां पर हिस्टोन ऑक्टमर है तो इसमें कितनी प्रकार की प्रोटीन होती है चार प्रकार की प्रोटीन होती है एच टू एच टू बी एच थ्री और एच Four. और प्रत्येक ये कितनी होती हैं चार नंबर में यानी कि सॉरी दो नंबर में चार प्रकार की और नंबर में आठ होती हैं इच टू टू होती हैं क्लियर एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर ये अगर यहां पर दिया होता तो ये मैचिंग करेक्ट हो सकता था तो पहला मैचिंग आपका इनकरेक्ट है फिर कह रहे टिपिकल मेमिलियन सेल टू पॉइंट टू मीटर डीएनए अगर टिपिकल मेमिलियन सेल की बात करें तो क्या उसमें टू पॉइंट टू मीटर का डीएनए होता है करेक्ट है ये है। यानि कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है जबकि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस रीजन को जहां पर होता है क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड तो ये आपका करेक्ट है फिर कह रहे है? है, तो है. है, है. हैं क्या बेसिक बेसिक प्रोटीन प्रोटीन होती होती है? है, बिल्कुल तो ये करेक्ट है। पहले में दिया रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओबरी क्या रिलैक्सिन हार्मोन ओबरी से सीक्रेट होता है बिल्कुल करेक्ट है ओबरी से सीक्रेट होता है दूसरे ऑप्शन में दिया है प्रोलेक्टिन सिक्रेटेड फ्रॉम प्ले सेंटा अगर हम प्रोलेक्टिन हार्मोस की बात करें तो ये हारमोन पिट्यूटरी ग्लान से ए, होते हैं यानी सिक्रिट होते हैं और उसमें भी उससे एंटीरियर पिट्यूटरी से तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है फिर थर्ड वाले में बोल रहे हैं द इनर सेल मास डिफ्रेंसिएटेड इंटू इम्ब्रो बिल्कुल करेक्ट है जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है किसमें इम्रियो में फिर कह रहे हैं रिलेक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा ए भी करेक्ट है ओवरी से भी हार्मोन होता है और प्लेसेंटा से भी सीक्रीट होता है तो आपका यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सेकंड चला जाएगा यानी कि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है इनकरेक्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन प्लेसेंटा से नहीं एंटीरियर प्रिटी से सीक्रीट होता है क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी फोर यूटीआरसलेटेड रीजन किसमें होता है तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा क्या आर एन ए सिक्वेंस क्वेश्चन नंबर वन वन थ्री है जिसको ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी सिक्स बच्चों ने गलत किया है देखते हैं क्या हार्वीबोर और प्लांट कंपटीशन में कार्निवोर से कम अफेक्टेड होते हैं कि ज्यादा होते हैं तो अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर लेस नहीं मोर अफेक्टेड होते हैं तो ये पहला एसरसन आपका क्या है इनकरेक्ट हो गया रीजन में बोल बोले मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द सिक दे आर देर कहते हैं कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या केमिकल और उसको स्टोर करते हैं और अगर उस प्लांट्स को कोई दूसरा एनिमल उसको क्या करता है ईट करता है खाता है तो उसमें यानी सिक कॉज करता है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है आपका रीजन सर इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है आंसर आपका थर्ड चला जाएगा क्वेश्चन नंबर है एन जिसको 1182 बच्चों ने गलत किया है <laughs> देखिए क्या दिया हुआ है हाउ मैनी रिलेक्शन करेक्ट है फिर कह रहे हैं एस्ट्रोजन क्या प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है यह भी करेक्ट है एस्ट्रोजन क्या ग्राफियन फॉलिकल से सीक्रेट होता है तो ये भी करेक्ट है फिर कह रहे हैं कि फॉलिकुलर फेज को क्या सिक्रेटरी फेज बोलते हैं फॉल्यूकुलर फेज की बात की जाए तो इसको सिक्रेटरी फेज नहीं क्या बोलते हैं प्रोलिफ्रेटिव फेज प्रोलिफ्रेटिव फेज सिक्रिटरी फेज नहीं बोलते हैं तो आपका ये इनकरेक्ट हो गया और ये तीन मैचिंग करेक्ट है आंसर चला जाएगा आपका क्या सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है जिसको आ, 1089 बच्चों ने गलत किया है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट एंट्रम किसमें बनता है टर्सरी फॉलिकल में करेक्ट है फिर कह रहे हैं पोलर बॉडी क्या एस्परमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में बनता है ये आपका इन करेक्ट है किस प्रोसेस में बनता है ऊ जेनेसिस की प्रोसेस में बनता है क्या पोलर बॉडी तो आपका सेकेंड मैचिंग करेक्ट इन करेक्ट है और फर्स्ट करेक्ट है फिर कह रहे हैं सेल्स प्राइमरी फॉलिकल में होती है करेक्ट है क्या उ में फोर्टी होते हैं तो ये भी करेक्ट है क्यों क्योंकि होती 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 है होती है होती है कैसी होती है इसीलिए आपका ये भी करेक्ट है पूछा गया है कितने नंबर में करेक्ट है ये तो आंसर सेकंड चला जाएगा थ्री मैचिंग यहाँ पर करेक्ट है एंट्रम टर्सरी फॉलिकल में होता है सेल प्राइमरी फॉलिकल उगोनिया में फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस में ना बनके किस बनता है उजेनेसिस की प्रोसेस में फिर कनेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में इसको भी वन थाउजेंड एट्टी एट बच्चों ने गलत किया है व्हाट इज द क्राइटेरिया बाय विच ए इकोलॉजिस्ट डिक्लेयर द हैबिटेट एज ए हॉट स्पॉट किसी हैबिटेट को हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए इकोलॉजिस्ट कौन सा क्राइटेरिया अपनाते हैं सबसे पहले दिया मोर नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज मस्ट बी इन इट्स हैबिटेट किसी हैबिटेट में वहां पर पाई जाने वाली स्पीसीज यानी कि वहीं पर ही पाई जाए और ज्यादा नंबर में तो उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं हॉट स्पॉट तो ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है फिर कह रहे हैं हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी उस हैबिटेट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होना चाहिए तो ये भी करेक्ट है फिर कह रहे हैं क्या लार्ज साइज एनिमल के बेस पे देखा जा सकता है या फिर स्मॉल साइज एनिमल तो ये दोनों के दौरों इन करेक्ट साइज के बेस पे नहीं देखा जाता है साइज के बेस पर है हॉट स्पॉट डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो आंसर आपका यहाँ सेकेंड चला जाएगा ए और बी क्वेश्चन नंबर नाइन है जिसको नाइन हंड्रेड नाइनटी थ्री बच्चों ने गलत किया है देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया दोनों के लिए इन स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हैं सबसे पहले दिया बोथ आर ऑटोसोमल ऑटोसोम डिजीज क्या सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों की दोनों ऑटोसोमल डिजीज हैं तो ये करेक्ट दोनों ऑटोसोमल डिजीज होती हैं फिर कह रहे हैं इन बोथ डिजीज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्टेड ये भी करेक्ट है दोनों में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्ट होता है तीसरे में बोल रहे हैं बोथ अल्फा एंड बीटा चेन Of the will be क्या सेल और दोनों में एल्फा बीटा चैन अफेक्ट होती है तो ये आपका इनकरेक्ट है. सेल एनीमिया में बीटा चैन अफेक्ट होती है जबकि थैलसीमिया में एल्फा और बीटा दोनों क्लियर तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया फोर्थ में कह रहे हैं यानी डी में ओनली बी चैन ऑफ द हिमोग्लोबिन अगर ओनली बी की बात करें तो ये सिक्केसल एनीमिया के लिए तो करेक्ट है बट थैलेसीमिया के लिए करेक्ट नहीं है क्यों क्योंकि थैलेसीमिया में एल्फा और बीटा दोनों ही अफेक्ट होते हैं क्लियर तो आंसर आपका यहां पर चला जाएगा फोर्थ यानी इन चार स्टेटमेंट में से सिर्फ टू करेक्ट हैं इन दोनों के लिए सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री जिसको नाइन हंड्रेड फिफ्टी एट बच्चों ने गलत किया है गिविन विल वार्ट टू स्टेटमेंट वन इज लेवल रीजन का क्वेश्चन है पहले कह रहे हैं बी टी टॉक्सन इज प्रोड्यूस बाई बी प्रोड्यूस होता है के जिसका नाम क्या है कॉटन बॉल बॉर्न ए भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है बट यहाँ पर एसरसन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बट दोनों के दोनों करेक्ट है तो आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट चला जाएगा और बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है ये आपके मोस्ट डाउटफुल टाइम क्वेश्चन थे जिनको यहाँ पर हमने डिस्कस किया थैंक यू धन्यवाद